दो दिवसीय कांगड़ा दौरे के दौरान स्मार्ट सिटी धर्मशाला में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्मार्ट सिटी में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले स्मार्ट सिटी योजना के तहत इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया। इस सेंटर में पूरे शहर की व्यवस्थाएं एक ही छत के नीचे रियल टाइम में देखी जा सकती हैं। इसके लिए पीएमसी ने 170 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के तहत 3.5 करोड़ से 65 क्लासरूम को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना का शुभारम्भ किया गया। सरकारी भवनों के रूफ टॉप पर 1.59 करोड़ से सोलर पीवी प्लांट्स बनाने की योजना का शिलान्यास किया गया। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर धर्मशाला के चरान के नजदीक मेयर कार्यालय के समीप बनाया जा रहा है। इस सेंटर से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था और अन्य सेवाएं संचालित की जाएंगी। धर्मशाला में सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी इसी सेंटर से होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत आज शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो धर्मशाला पर्यटन की दृष्टि से अलग पहचान बनाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यहां पर 145 करोड़ के प्रोजेक्टों का एक ही दिन शिलान्यास और शुभारम्भ हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश के दो शहर धर्मशाला व शिमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाए हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले एक दो वर्षों में जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो धर्मशाला के लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोगों के लिए यह एक बेहतर शुरुआत है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की सराहना की। कोठीपुरा में एम्स के भूमि पूजन को कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा ढकोसला बताए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एम्स का शिलान्यास मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। टेंडर पूरे होने के बाद आज केवल भूमि पूजन होना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी इस बात से परेशान है कि जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो बीजेपी सरकार में पूरा हो रहा है। हमारा मानना है कि एम्स जैसी सुविधा मिलना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के प्रश्न पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल तो कांग्रेस की सिर फोड़ यात्रा चल रही है। हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्मार्ट सिटी के नाते दो शहर चयनित हुए हैं, एक धर्मशाला और दूसरा शिमला। और धर्मशाला में आज ऐतिहासिक दिन मैं कह सकता हूँ, लगभग 145 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आज ही एक ही दिन हम उनका शिलान्यास और उनकी शुरुआत करने की दृष्टि से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये दोनों ऐसी सिटीज़ हमारी, शहर हमारे हिमाचल प्रदेश के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। और धर्मशाला मुझे लगता है कि ये सारा कंप्लीट होने के बाद, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ये स्मार्ट सिटी का है, उसके बाद यहाँ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो यहाँ पर स्मार्ट सिटी का और स्मार्ट सिटी के टोटल प्रोजेक्ट्स जिसके माध्यम से ब्यूटिफिकेशन, जिसके माध्यम से सारी सुविधाएं एक जगह होने, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन एक जो है वो चीज़ होने जा रही है। और मैं सभी धर्मशाला वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, कपूर जी को, सरवीन जी को और उनके साथ सारी टीम को, कि एक बहुत बेहतर शुरुआत जो है यहाँ इस तरह से जो स्मार्ट सिटी की यहाँ आज शुरू हुई है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। एक धर्मशाला एक अलग तरह की पहचान के साथ यहाँ पर खड़ा होगा। सर, कल रामलाल ठाकुर जो है विधायक, उन्होंने कहा है कि जो एम्स का आज शिलान्यास होने जा रहा है वो एक ढकोसला है और ये सिर्फ और सिर्फ 2019 के इलेक्शन में चुनावी स्टंट है। सर, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात काम शुरू होना है। उस दृष्टि से आज सिर्फ भूमि पूजन है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश ने कभी सोचा नहीं था वो हमको मिला है।
और उसका भूमि पूजन का काम आज के इस काम के साथ शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी परेशानी स्वाभाविक रूप से है, उनको लगता है कि जो काम वो नहीं कर पाए वो हम करने जा रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से सारी बातें हैं, इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं। फिर कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा पहुंची है, तो उन्होंने कहा है कि सरकार का 4 साल का कार्यकाल जो विफल रहा है, जिस वजह से युवा कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अभी तो सर फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है और युवा क्रांति तो मैं यही कहूंगा कि वो सर फोड़ने का कार्यक्रम है। थैंक यू। थैंक यू।